बिग बॉस 15 के लिए ऑडिशंस शुरू हो गए हैं, और अगर आप ऑडिशन देना चाहते हैं तो कुछ जानकारियां इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, यूजर नेम है RJ_IG। हाँ जी, सो सलमान खान ने बिग बॉस 14 के ग्रैंड फिनाले में ही आपको बता दिया था कि बहुत जल्द बिग बॉस 15 आएगा, और इस बार ये कॉमनर्स के लिए होगा। वुड सेलेक्ट पर ऑडिशन शुरू हो गए हैं, 22 फरवरी से ही शुरू हो गए थे। आपको बता दूं कि आखिर किस किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किन चीजों से बचना है, किन चीजों पर ध्यान रखना है। चलिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको वुड सेलेक्ट का मेंबर होना होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप फोरम पर जाइए, वहां अपनी डिटेल्स भरिए, नाम, पता, ईमेल आईडी, बाकी जो भी चीजें मांगी गई है वो सारा कुछ करिए। फिर वहां पर आप अपना वीडियो बनाकर अपलोड कर दीजिए। अब जब आप वीडियो बना रहे हैं तो ये याद रखें कि 5 मिनट से ज्यादा वीडियो की ड्यूरेशन ना हो, और साइज जो है वो 50 MB से ऊपर ना हो, और वीडियो का फॉर्मेट कोई भी रेगुलर फॉर्मेट हो सकता है, MOV, AVI, MP4, जो भी आप फॉर्मेट में बनाना चाहें। अब वीडियो के लिए एक और खास बात जो आपको ध्यान रखनी है कि लाइट वगैरह प्रॉपर हो, ताकि आपका चेहरा ठीक से दिखाई दे रहा हो, और दूसरी बात यह कि आपके वीडियो में कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक ना चल रहा हो, इस बात का खास ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और बातें जिनका आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको किसी भी एजेंसी वाले फ्रॉड से बच के रहना है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडिशन है, इसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं लग रहे हैं। तो कोई आपसे इस तरीके की बात करता है कि भाई इतना पैसा दीजिए फिर आपका ऑडिशन करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, वो नहीं करना है। दूसरी बात ये कि जब तक ऑडिशन कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक आप किसी भी दूसरे शो, रियलिटी शो या किसी भी शो का हिस्सा नहीं हो सकते। यानी कि इस बीच आप सोचे कि मैं इधर उधर और काम कर लूं अगर मुझे कोई मौका मिल रहा है, तो आप वो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि जब सारे वीडियोस आ जाएंगे, यानी कि 30 मार्च तक ये चलेंगे ऑडिशंस, सारे वीडियोस आ जाने के बाद जो सिलेक्टेड वीडियोस होंगे, जो वीडियोस पसंद आएंगे टीम को, वो वीडियोस शॉर्टलिस्ट होने के बाद फिर से प्लेटफॉर्म पर डाल दिए जाएंगे और पब्लिक वोटिंग के लिए ओपन कर दिया जाएगा। यानी कि फिर पब्लिक, जनता के वोट्स डिसाइड करेंगे कि आप बिग बॉस 15 का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना होगा, तो तैयार रहिए। जो भी दिमाग में है बढ़िया सा वीडियो बनाइए, जो भी आप एंटरटेनिंग कंटेंट बनाना चाहते हैं, और जाकर अपनी दावेदारी पेश कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, कोई नई अपडेट मिलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।